आज देश में छठे चरण का मतदान किया जा रहा है। यूपी की 14 सीटों सहित 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में हरियाणा की सभी 10 सीटों, दिल्ली की सभी 7 सीटों सहित बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल की 8-8, झारखंड की 4 तथा उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन हर चरण की तरह इस छठे चरण में भी पश्चिम बंगाल में हिंसा देखने को मिल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले में शनिवार रात एक बीजेपी कार्यकर्ता मृत हालत में मिला। पार्टी का दावा है कि टीएमसी कांग्रेस इस बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के लिए जिम्मेदार है। बीजेपी का दावा है कि सत्ताधारी टीएमसी इस बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के लिए जिम्मेदार है। उधर ईस्ट मेदिनीपुर के भगवानपुर इलाके में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई। दोनों को घायल हालात में अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता घर में घुसे और हत्या कर दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद से ही इलाके में तनाव है। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार भारती घोष के काफिले पर भी पथराव किया गया है। इसका भी आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ही है। यहां आपको बता दें कि 5वें चरण के मतदान के वक्त भी पश्चिम बंगाल में खूब हिंसा हुई थी। बीजेपी नेताओं की पिटाई की खबरें सामने आई थी, कई लोगों के घायल होने की भी खबर थी। अब आपको बता दें कि छठे चरण के मतदान में 4 पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, दिग्विजय सिंह, भूपिंदर सिंह हुड्डा और अखिलेश यादव मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, मेनका गांधी, राधा मोहन सिंह, कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया की सियासी किस्मत भी इसी चरण के चुनाव में तय होने वाली है। दिल्ली में भाजपा ने मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, हंस राज हंस जैसे सितारों को, तो कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन तथा मुक्केबाज विजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। आपसे आतिशी, राघव चड्ढा और दिलीप पांडे मैदान में हैं। आजमगढ़ में अखिलेश के खिलाफ बीजेपी की तरफ से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के उतरने से मुकाबला रोचक बन गया है। वहीं भगवा आतंकवाद के मुद्दे से देश भर में चर्चा में आई भोपाल सीट पर भी चुनाव छठे चरण में ही हो रहे हैं। यहां से बीजेपी की तरफ से साध्वी प्रज्ञा मैदान में है और साध्वी प्रज्ञा के सामने हैं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। छठे चरण के चुनाव में वोट डालने कई दिग्गज नेता और बड़ी हस्तियां भी पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। विराट कोहली, गौतम गंभीर, केजरीवाल, आतिशी, मनोज तिवारी, शीला दीक्षित, राहुल गांधी, सुषमा स्वराज ने वोट डाला। इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन में ही बनाए गए मतदान केंद्र में पहुँच कर राष्ट्रपति ने भी वोट डाला। इसके साथ ही आपको यह भी बताना जरूरी है कि दिल्ली के सबसे बुजुर्ग मतदाता 111 साल के बचन सिंह ने भी मतदान किया है। सलाम कीजिए इनके जज्बे को और अगर आपके क्षेत्र में भी वोटिंग हो रही है तो आप भी वोट डालने जरूर जाइए।